हेलो एवरीवन, यूनिट जो आपकी 5 है ग्रीन स्किल्स, और उसके लिए आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आईटी 802 क्लास 12 रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स के बारे में बात करते हैं, जो सीधे सीधे आपके ग्रीन स्किल्स की बात करते हैं। तो ग्रीन स्किल्स के लिए यहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है, पिक्चर दिया है कि कोल माइनर्स के बारे में। सो यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करते हैं कि रोल्स क्या हैं। सो रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स इन टॉक्सिन फ्री होम्स, ऐसे घर तैयार करना जो टॉक्सिन फ्री हों, रीयूज रिड्यूज रिसाइकल जो इस पर काम करने वाले हों, यूज लेस हीट एंड रिकंडीशनिंग जिसमें कम से कम ऊर्जा का प्रयोग हो, और आपके लाइट बल्ब्स को बदलना, ड्राइव लेस ड्राइव स्मार्ट, कम चलाओ और लेकिन स्मार्ट तरीके से चलाओ, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट तैयार करना, यूज लेस हॉट वाटर गर्म कम पानी का यूज करना, ऑफ बटन्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ट्री यानी प्लांटेशन को जोड़ना, ये सब कुछ ग्रीन जॉब्स का पार्ट हो जाते हैं। ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड पावर, तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में सोलर और विंड पावर यानी हवा की जो ताकत है और सूर्य की ऊर्जा, इससे काम हो रहा है। एनर्जी के ऑडिटर्स तैयार हो रहे हैं, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स तैयार हो रहे हैं, विंड सोलर एनर्जी इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं। रोल क्या है ग्रीन जॉब्स के वाटर कंजर्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे भी आपका वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हो गया, वाटर ऑडिटर हो गया, वाटर पॉलिसी एनालिस्ट हो गया, वाटर रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर हो गया, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो गया, वाटर कंजर्वेशन रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो ये कुछ रोल्स बताए वाटर कंजर्वेशन में। ऐसे ही ग्रीन जॉब्स क्या हैं आपके वेस्ट रिडक्शन रिसाइकल एंड रीयूज के अंदर, ग्रीन जॉब्स टूरिज्म में किस तरीके से हैं, चाहे वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का काम है, डेस्टिनेशन मैनेजर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, ग्रीन जॉब्स बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में कैसे काम करने वाले हैं, तो कुछ यहाँ पर डिफाइन किया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए, डिजाइनर है, कारपेंटर है, बिल्डिंग प्लानर है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, आपके वेदराइजेशन हैं, कंक्रीट लेबर्स हो गए, हाईवे लेबर हो गए। तो ये कुछ आपके जो ग्रीन जॉब्स निकलेंगे आपके हर सेक्टर के अंदर, वो यहाँ बताने की कोशिश की है। आप एक 12th लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आप किस तरीके से ग्रीन स्किल्स में अपना योगदान भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या जॉब्स हमारे सामने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरीके से लिमिटिंग ग्रीन हाउस एमिशंस के अंदर क्या क्या रोल्स हैं, तो मेनली यहाँ पर बात की गई है कि आपके क्या क्या रोल्स हैं ग्रीन जॉब्स को लेकर।